हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है डेवलप ऑप्शन किस प्रकार से सेट करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करने एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तब आपको यहाँ पर दिख जाता है शॉर्टकट एसेसिबिलिटी इन सबका, पर आपको लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपको यहाँ पर लास्ट में दिख जाता है डेवलप ऑप्शन एंड आप उस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। और ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप काम कर सकते हैं डेवलप ऑप्शन में। इस तरीके से ऑफिस आप क्लिक नहीं कर पाएंगे किसी भी जो भी आपका काम का है। एंड अगर ये ऑन है तब इसका ओके पे क्लिक करेंगे ऑन, तब ये ऑन होगा। तब देख सकते हैं जो भी काम करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर ऑन में इसे बैक करते हैं देख सकते हैं अभी भी डेवलप ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं सिस्टम से ही बैक कर देती हूँ इन्हें तो फ्रेंड्स फिर से सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर डेवलप ऑप्शन अभी भी दिख रहा है। अगर मैं इसे ऑफ करके बैक करती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर जो डेवलप ऑप्शन था वो जा चुका है। तब वापस सेट करने के लिए आप देख सकते हैं सिस्टम पर नहीं है। तो फ्रेंड्स वापस सेट करने के लिए आप अबाउट फोन पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तब आपको यहाँ दिखता है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है बिल्ड नंबर, आप उस पर बिल्ड नंबर पर 3-4 इस तरीके से क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा यू आर नाउ डेवलप ऑप्शन, यानी कि आ चुका है आपका। इसका बैक करके फिर आप जिस सिस्टम के ऑप्शन में जाकर फिर यहाँ पर चेक करेंगे डेवलप ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हैं इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में अगर डेवलप ऑप्शन चला जा चुका है यहाँ से तो दोबारा से सेट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से डेवलप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार है।